नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। स्टार टीवी कपल जय भानुशाली और माही विज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कपल को उनके कुक ने जान से मारने की धमकी दी है। जी हाँ, जिसके बाद से जय माही अपनी बेटी तारा को लेकर काफी परेशान है। जय माही ने कुक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। एक इंटरव्यू के दौरान माही ने ये बात कंफर्म की। पिछले साल के क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी से क्लीन चिट पाने वाले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने गुरुवार को एक विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष याचिका दायर कर अपना पासपोर्ट वापस किए जाने की मांग की। अदालत ने एनसीबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की। बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनौत किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं। पर हाल ही में एक्ट्रेस ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने पर भी तंज कसा था। अब कंगना रनौत ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया सीएम बनने पर सोशल मीडिया पर बधाई दी है। डालिए नजर कंगना के इस पोस्ट पर। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति आभार जताने की वजह से एक्ट्रेस दिया मिर्जा पर तंज कसा है। दिया ने लोगों और प्लेनेट की परवाह करने के लिए उद्धव ठाकरे को धन्यवाद दिया था। विवेक ने दिया से पूछा कि वे किस प्लेनेट के बारे में बात कर रही हैं, क्या ये प्लेनेट बॉलीवुड है। डालिए नजर इस ट्वीट पर। शाहरुख खान के फैंस उनकी वापसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्म जवान का टीजर और मोशन पोस्टर रिलीज कर अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया है। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान एक लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म को 120 करोड़ रुपए में सेल हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।